2014 में चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 बड़े मुद्दे देश को वादे किए थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो उन 5 मुद्दों को वो लागू करेंगे। लगभग 4 साल होने जा रहे हैं और वो 5 मुद्दे पूरे देश को मालूम हैं और जानकारी है, पर उन 5 मुद्दों को आज मैं फिर दोहरा देता हूं। एक तो उन्होंने वादा किया था कि नौकरियां हर वर्ष वो 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए, उनको राहत के लिए MSP को 50% उनके दाम से ज़्यादा करेंगे। 15 लाख रुपए आम आदमी के खाते में भेजेंगे। भ्रष्टाचार के विषय में उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें करी थी। और 5वां जो था वो सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, चीन के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, कड़े कदम उठाएंगे। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किसानों के बारे में है, नौकरियों के बारे में। आप स्वयं सब कुछ जानते ही हैं कि 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए कि कल ही अखबार में छपे हैं कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां लोगों की छूटी हैं इनके पॉलिसी की वजह से। 15 लाख खाते में जाने की जहां तक सवाल थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं कह दिया कि जुमला था। भ्रष्टाचार के बारे में जिन्होंने कहा था कि मैं चौकीदारी करूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्रियों तक, मंत्रियों तक, केंद्र मंत्रियों तक, पदाधिकारियों पर इतने आरोप, कागजी सबूत पेश किए गए हैं, पर चौकीदार ने अपना मुंह अभी तक उस पर खोला नहीं है। जहां तक पाकिस्तान और चीन के बारे में था, आज ही अखबारों में छपा है कि सीज़फ़ायर, जितने आज इंट्रूशंस चीन में हो रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। पाकिस्तान ने जितने सीज़फ़ायर वायलेशन इन 3.5 सालों में किए हैं और जितने आतंकी हमले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स में हुए हैं, इतिहास में इतने नहीं हुए हैं। परंतु आज, जैसे मैंने पहले कहा, चर्चा किसानों के बारे में होगी, क्योंकि 70% किसान, इस देश में 70% लोग गांव में रहते हैं और किसान का काम करते हैं। रीढ़ की हड्डी इस देश की कोई अगर है तो किसान है। पर रोज़ाना अखबारों में, टेलीविज़न चैनलों पर हम क्या देखते हैं? केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है ही, परंतु जहाँ जहाँ इनके राज्यों तक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में देखिए किसानों के साथ क्या जुल्म बरसाया जा रहा है। गोलियाँ कहीं कहीं उन पर गोलियाँ चलाई जाती हैं, तो कहीं उनके कपड़े उतार के उनको पीटने का काम करते हैं। राजस्थान में देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अगर फार्मर सुसाइड कहीं हो रहे हैं तो महाराष्ट्र के अंदर हो रहे हैं। झारखंड में देखिए, झारखंड में गोलियां किसानों पे चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में हाल में हमने देखा कि किस तरह किसान मजबूर होकर अपने आलू की फसलें सरकारी बिल्डिंगों पर विधानसभा तक फेंक के चले आ रहे हैं। इसके कुछ आंकड़े जो हमारे सामने आए हैं, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, जो हमारे पास हाल में आंकड़े जो आए हैं, 10 साल में जब तक UPA सत्ता में थी तो एवरेज जो ग्रोथ था किसानों का, एग्रीकल्चर का, वो 4% था। और अगर इस अक्टूबर 2017 में जो रिपोर्ट आई है CSA की, उसमें स्पष्ट रूप से उससे आधा, 1.9% ग्रोथ एग्रीकल्चर में देश में हो रही है। MSP की बात प्रधानमंत्री जी ने कहाँ कहाँ भाषण, और पूरे हर जनपद में जहाँ जहाँ भाषण किया तो किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब आएगी तो जो भी आपका खर्चा होगा किसान का फसल जमाने में, तो 50% उससे ज़्यादा बढ़ाकर हम MSP देंगे। और ये पेज 44 में
उनके मैनिफेस्टो में, जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में पेज नंबर 44 पर किसानों के हक की बात लिखी थी, वादा जो किया था, आज देश देख रहा है कि एमएसपी कहीं 10 रुपये बढ़ती है तो कहीं 20 रुपये बढ़ती है, और उस दाम के बारे में प्रधानमंत्री जी आज कहीं भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। परंतु एक नई, उन्होंने इलेक्शन जैसे नज़दीक आने लग गए हैं 19 के, अब वो बताते हैं कि किसानों का इनकम हम डबल कर देंगे 2022 से। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जब किसानों के इनपुट इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हाल में आपने देखा कि डीजल दिल्ली में, जो डीजल खेती में ट्रैक्टर हो, पंपिंग सेट हो, डीजल का कितना बड़ा काम होता है, उसका रेट 60 रुपये ले 60.66 रुपया तो सिर्फ डीजल का दाम हो गया है। और इस वर्ष में टैक्सेस के माध्यम से सरकार 1.6 लाख करोड़ रुपीज़ कमा रही है, जो आम किसान और आम आदमी के देश का है। इन 3.5 सालों में सिर्फ पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस पर 9 लाख करोड़ से ज़्यादा फायदा सरकारों को हुआ है। ये पैसा क्यों नहीं किसानों को दिया जाता है, आम आदमियों को दे जाता है, मध्यम वर्ग के लोगों को क्यों नहीं ये बेनिफिट पास ऑन किया जा रहा है? दूसरी चीज़, किसान और आमदनी की बात करते हैं, रूरल वेजेस की बात की जाती है। 2013 में जब हमारी सरकार थी तो रूरल वेजेस उस वर्ष में 17.6% का ग्रोथ हुआ था रूरल वेजेस में, और इस वर्ष कितना ग्रोथ रूरल वेजेस में हुआ है, 6.5% ही सिर्फ ग्रोथ हुई है। फार्म लोन वेवर कि किसानों का लोन माफ करेंगे हम, तो तमाम स्टेटों ने लोन वेव करने की बात करी, फार्मों किसानों को लोन माफ करने की बात कही गई। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जहां उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और उत्तर प्रदेश में लोगों को एक एक पैसे का सर्टिफिकेट मिला है, इस चीज़ को आपने बहुत तरीके से और देश में दिखाया। हमारी सत्ता जब थी तो 77,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का लोन माफ़ किया था, और आम छोटे से लेके बड़े किसान सबको फायदा पहुंचा था, और एक झटके में जितना लोन था उसको ख़त्म किया गया। केंद्र सरकार ने, राहुल गांधी जी ने किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ी है, लोन वेवर, किसानों के लोन को लेकर हमेशा सरकार को घेरने की कोशिश की है। लोन माफ़ करने की बात छोड़िए, किसानों का 1 रुपया केंद्र सरकार ने माफ़ नहीं किया, परंतु 1,30,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों का माफ़ करने का काम किया है। 3 सालों में दर्दनाक फिगर है, बड़े गंभीरता थे उदासी से मैं ये फिगर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पिछले 3 सालों में 38,000 किसानों ने आत्महत्या की है, 35 किसान रोज़ाना आत्महत्या इस सरकार में कर रहे हैं, और जो आत्महत्याओं की जो आंकड़े हैं अगर उनको देखें, दिल को झंझोड़ देने वाले आंकड़े हैं। 45% में आत्महत्या किसानों की इस सरकार में बढ़ी है। तो रूरल डिस्ट्रेस जिसको बोलते हैं, ग्रामीण अंचलों में किसान कितना परेशान है, किसान में जो मजदूरी करता है उसको कितनी तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है, अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो किसानों की बात करने वाली ये सरकार, अगर बीमा जो इन्होंने फसल योजना बीमा के जो आंकड़े सरकार ने बोले दिए थे, उसमें कुछ चंद बड़े बड़े प्लेयर्स को ही उसका फ़ायदा हुआ है, आम गरीब और छोटे किसानों का इसका कोई मतलब नहीं हुआ है। 4 साल चले गए हैं, किसानों तक कोई भी राहत इस सरकार ने नहीं कही। 1 साल इलेक्शन के लिए बचे हैं, हम फिर से प्रधानमंत्री जी को कहेंगे कि इस बजट में किसानों के लिए बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, और इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, और जब तक राहत
किसानों को नहीं मिलेगा। कांग्रेस की आवाज़, कांग्रेस का साथ किसानों के हक के लिए बना रहे।